सात सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने रेलवे स्टेशन स्थित विद्युत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में विद्युत संविदा मजदूर संगठन प्रांतीय महामंत्री राजेश्वर सिंह ने बताया कि संविदा कर्मी विजय प्रकाश चौधरी पर बदले की भावना से की गए उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जाँच कराया जाए तथा उनको भेजे गए 2 लाख रुपए के गलत बिजली बिल को निरस्त किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रांतीय महामंत्री राजेश्वर सिंह ने कहा, राजेश्वर सिंह, प्रांतीय महामंत्री, विद्युत संविदा मजदूर संगठन। आज विद्युत संविदा मजदूर संगठन का हमारे 4 संविदा कर्मचारियों को जो है कि गलत तरीके से हटाने के लिए लेटर जारी किया गया है। उनको जो है कि अवैध वसूली और लाइन शिफ्टिंग आदि आरोप लगा करके हटाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ है नहीं। उसके लिए पहले अधिकारी लोग जांच कराएं और जांच कराने के बाद अगर हमारे संविदा कर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्यवाही हो। बिना कोई जांच कराए सिर्फ एक अधिकारी के लिख देने से, हो सकता है वो अधिकारी द्वेषवश लिखे हों, उनका कोई वो पर्सनल काम न किया हो, तो इसकी जाँच होनी चाहिए कि सत्यता क्या है। और अगर वह लेटर गलत तरीके से बनाया गया है तो इसका भी विरोध होना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही होना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कोई संविदा कर्मियों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई गलत लेटर न जारी करें।